हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर वरिष्ठ शिवसेना नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद राव अंशुल ने एक बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मशहूर संकट मोचन हनुमान मंदिर की आरती में भाग ली और मंदिर प्रबंधन के साथ ही इस अवसर पर आयोजित 56 भोग प्रसाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मंदिर में महंत सूरजगिरी और धनवर्षा ग्रुप के चेयरमैन अंशुमन जोशी ने उनका स्वागत किया। हम धनुष बाण के साथ हिंदुत्व की बाला साहिब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सोचा कि यह हनुमान जयंती सबसे शुभ अवसर है कि हम अपने अभियान मेरा अभिमान धनुष बाण का व्यापक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यह भगवान राम से इस शक्तिशाली हथियार के संबंध में निकटता से जुड़ा हुआ है जो बुराई को नष्ट करता है। हर हिंदू को हनुमान और भगवान राम के दिव्य संबंध का पता है। हमारा संदेश इस शक्तिशाली नारे के साथ भी स्पष्ट है। हम लोगों के साथ हमारे हिंदुत्व और अच्छे शासन की योजना से जुड़ रहे हैं। दिल्ली और अन्य राज्यों में जल्द ही एक व्यापक सदस्यता अभियान शुरू होगा। आनंद राव अंशुल ने कहा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान भी राज्य मंत्री थे, आरती के समय महंत सूरजगिरी और धनवर्षा ग्रुप चेयरमैन अंशुमान जोशी द्वारा मंदिर में आनंद राव अंशुल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का स्वागत किया गया। आज आनंद राव अंशुल जी, पूर्व सांसद, पूर्व वित्त मंत्री, उनको यहाँ निमंत्रण दिया ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद लें आके और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का विस्तार करें। और सूरजगिरी जी और महाराज जी के वजह से हमें ये सौजन्य मिला ताकि हम हनुमान जी के यहाँ पे आके दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। जय श्री राम। पहले दफा 11वीं लोकसभा का सांसद अभी यहाँ दर्शन लेके आया, अभी से आना जाना होगा। गए हफ्ते में हम यहाँ हनुमान जी की आरती भी उतारी। हमारे भाई साथी अंशुमन जोशी के कारण ये सौभाग्य मुझे मिला। आज उन्हों के निमंत्रण पर ये उत्सव में शामिल होने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का प्रोग्राम 108 संकट पूजा का दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की, मैं कहूँगा भगवान की मूर्ति। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।